कर्म का महाकार में कथा महाकार में कथा शुरुआत महाकार में कथा करते परम का आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप हमारे जीवन सुख और शांतमय बनाने के लिए सारा उपदेश दिया है और हम मनुष्य है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है तो उन उपदेशों को हम सुन सकते हैं जान सकते हैं अभ्यास फिर भी जीवन में हम अनेक अनेक बातों को लेकर असंतुष्ट होते हैं, अनेक अनेक बातों को लेकर दुखी होते हैं, अनेक तकलीफ में आते हैं। उनमें से प्रमुख एक है द्वेष, चिड़चिड़ा होना, गुस्सा आना। इस समय एक वन के लिए भिक्षा दान के लिए एक गांव में गए हुए थे और गांव में इधर उधर भिक्षा करते समय एक घर के बाहर पहुंचे, जैसे अंदर के महिला ने देखे अरे बंदे जा रहे हैं, चलो खाने के समय में आ रहे हैं, तो दौड़ा दौड़ा खाने के पात्र में डालने वाले थे कि उनकी नजर भंते जी के चेहरे पे पड़ी। भंते जी शांत रूप में बैठे थे, भंते जी के चेहरे पे खूब शांत भाव था, खूब आनंद भाव था। ये देख के वो उपासिका के मन में ऐसा लगा अरे हमारे मन में कभी भी शांति नहीं, कभी भी आनंद नहीं, हमेशा अनेक अनेक दुख तकलीफ की चिंता रहता ही है। और भंते जी के चेहरे पे इतना शांत भाव है, इतना आनंद भाव है, क्यों ना भंते जी से पूछा जाए। तो वो उपासिका भंते जी से पूछते हैं, भंते जी आपका चेहरा खूब शांत दिख रहे हैं, खूब आनंदमय दिख रहे हैं, हमारे घर में हमेशा कलह झगड़ा होते रहते हैं, ये कलह झगड़ा का कारण क्या है? भंते जी शांत बैठे रहते हैं, ऐसा किसी से भंते जी ने सुना ही नहीं। तो ऐसी बात देख के फिर वो उपासना पूछती है, भंते हमारे घर में हमेशा झगड़ा कलह अशांति व्याप्त है और आपके चेहरे में इतना शांति है, इसका कारण क्या है? फिर भी भंते शांत रूप में बैठे रहते हैं, कुछ भी जवाब नहीं देते। फिर तीसरी बार भी वो उपास का पूछती है, भंते आप बहुत ही शांत दिखते हैं, आनंद में दिखते हैं, वो भाव हमारे चेहरे पे बिल्कुल नहीं, हमारे घर में हमेशा झगड़ा कलह होते हैं, इसका कारण क्या है? उस समय भंते जी कहते हैं उपासिका, मैंने यहाँ भिक्षा के लिए आया हूँ, भिक्षा देना है तो दो, नहीं तो मैं चला, मैं जवाब देने के लिए नहीं आता। इतना क्या कहना था, वो उपासिका को बहुत गुस्सा आया, अरे ये कैसा बंदे, एक ही तो प्रश्न पूछा था, क्या इतना भी जवाब नहीं, क्या खड़े खड़े इतना भी नहीं बोलना होगा क्या? हाँ ऐसे भी बंदे होते हैं क्या, करके वो अपने आप में चिड़चिड़े चिड़चिड़े होके गुस्सा निकाल देता था। अंत जी वो उपासिका को देखते हुए कहते हैं, उपासिका आप पूछ रहे थे ना कि झगड़ा कलह का कारण क्या है, अशांति का कारण क्या है, यही है, यही है, क्या ही है? अंत जी कहते हैं, बात बात पे चिड़चिड़ा होना, संयमित न होना,
खरीदे न होना और बिना जाने अनेक तरह से हाँ मिठा दाना लेना, गुस्सा निकालना, यही द्वेष का कारण है, यही कलह का कारण है, यही झगड़ा का कारण है। बार बार पे बिना जाने चिड़चिड़ करना, बिना जाने गुस्सा निकालना, बिना जाने नकारात्मक भाव लाना, ये हाँ ये कलह झगड़े का कारण है। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है, हम कुछ चाहते हैं और होता कुछ और है। ऐसी बातों से हमें क्या हंसी थोड़ी ना आएगा, गुस्सा ही तो आएगा। अभी देखो ना, हर मंगलवार के दिन हाँ ये परिधि धम्म ग्रुप में ऑनलाइन कन्वर्सेशन रहता है, 5 बजे कन्वर्सेशन रहता है, और आज के दिन 5 बजे क्या उससे पहले से बाहर अनेक तरह से बज रहा है, जिससे मुझे सामने का आवाज भी सुनाई नहीं दे रहा है, मैं ठीक से प्रतिक्रिया भी नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या बोलना है क्या करना है, और ऐसे में धम्म देशना देना, और ये बाजा का इतना डिस्टर्ब, ऐसे प्रतिकूल अवस्था में धैर्य रखना, अपने आप को संयमित करना बहुत मुश्किल है। तो जीवन में कभी भी जब अपने अनुकूल नहीं होता, जब जैसा सोचता है वैसा नहीं होता, तब हमें गुस्सा आता है, तब हमें चिड़चिड़ापन आता है, और यही चिड़चिड़ापन यही गुस्सा वहां अनेक अनेक झगड़ा अनेक अनेक कलह को जन्म देता है, और वही झगड़ा वही कलह बढ़ते बढ़ते बड़े बड़े डरावना रूप भी लेता है। इसलिए महाकाल कहते हैं, चाहे अनुकूल अवस्था हो चाहे प्रतिकूल अवस्था हो, हर समय में समता भाव में रहना है, स्थिर भाव में रहना है, और ये समझ के रहना है हम खुद जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता, तो पूरे दुनिया के लोग, पूरे वातावरण ये कैसे हम जैसा चाहते वैसे होंगे, ये कैसे संभव है? इसलिए ये बाहर की दुनिया अपने अनुकूल ना भी रहा तो समता में रहने का, जीवन में अनेक अनेक मार आता है, विशेषतः अच्छे काम करने के समय में वहां और भी ज्यादा पिंड बाधा आता है, और भी ज्यादा मार आता है। ये समझना है कि अच्छे कामों में ज्यादा मार आता है, हमारे जीवन में मार आ रहा है, समझ लेना कर रहे। इसलिए समय में ज्यादा गुस्सा करके ज्यादा चिड़चिड़ा होके हाँ शरीर से भी वैसे प्रतिक्रिया करना, वाणी से भी वैसे प्रतिक्रिया करना, ये झगड़ा को जन्म देगा, कलह को जन्म देगा, अशांति को जन्म देगा, इससे शांति नहीं आता। इसलिए चाहे अनुकूल अवस्था हो चाहे प्रतिकूल अवस्था हो, चाहे अच्छे अवस्था हो चाहे बुरे अवस्था हो, अपने आप को स्थिर समता भाव में रखा तो बहुत शांति होगा, अन्यथा अशांति ही अशांति। ये गुस्सा को जन्म नहीं देना, ये कलह को जन्म नहीं देना, ये द्वेष को जन्म नहीं देना। द्वेष को तो जैसे अपने अनुकूल कुछ नहीं होता, या दुनिया ने कितना भी हमें अच्छा किया हो, दुनिया ने हमें कितना भी उपकार किया हो, वो उपकार को भूल के थोड़ा भी गलती किया हो, थोड़ा भी गलत किया हो, गलतियां वही हाँ वो भूल वही जो अपराध किया है या कोई गलती किया है उसी करके, उसने मुझे ऐसा किया था, उसने मुझे ऐसा बोला था, उसने मुझे ऐसा बताया था, फिर मेरी बीमारी आएगी, मैं भी उसको ऐसा दिखाऊंगा वैसा दिखाऊंगा करके, जो अंदर ही अंदर जो गुस्सा ला रहा है।
से इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। बोले तो का इंसान नहीं करके, वही सोचेगा चोरी करना चाहिए, वही सोचेगा काम ही करना करना चाहिए, वही सोचेगा झूठ बोलना चाहिए, वही सोचेगा अमन सपना सेव नहीं करना चाहिए। दुनिया में जितने भी गलत काम है, अकुशल काम है, पाप काम है, सारा का सारा करने के लिए तैयार होता है। इसलिए जहाँ द्वेष होता है वहां अकुशल होता है, वहां पाप होता है, वहां दुख होता है, वहां अशांति होता है। और जागृति देना चाहिए, ये एक बार ज्यादा तो बढ़ते जाते अपने आप खत्म नहीं होता। इसे तम पद के एक गाथा है, उपदेश देते हैं तथागत बुद्ध कहते हैं, नहीं मेरी ना ये सनातन से ये पहले चले आए तम है। क्या तम है? नहीं मेरे न मेरा नहीं, वैर से वैर भाव संबंधी का पूरा शांत नहीं होता, मतलब काफी संबंध नहीं होता, कोई गुस्सा करता है और गुस्सा भी गुस्सा ही करेंगे तो वहां वो गुस्सा खत्म नहीं होता। कोई वैर भाव लाते हैं, दूसरा भी वही करते रहेंगे तो वो वही बढ़ते 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 जाएगा, पर शांत कदापि नहीं होगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, अवैर न संबंधी, अवैर भाव से वही भाव से ही ये वैर भाव शांत होता है। यही पहले से सजाए धम्मा है। कोई गुस्सा करता है, दूसरा भी गुस्सा किया तो वो शांत नहीं होता, वो और बढ़ेगा, वो और ज्यादा गुस्सा करेगा, वो भी और ज्यादा गुस्सा करेगा, वो मुंह छोड़ेगा, वो भी ज्यादा गुस्सा करेगा, वो हाथ छोड़ेगा, वो भी हाथ छोड़ेगा, वो पैर छोड़ेगा, वो भी पैर छोड़ेगा, वो इधर उधर का हाथ हथियार छोड़ेगा, वो भी इधर उधर का हाथ हथियार छोड़ेगा। परिणाम तो वहां किसी का सर फट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर टूट गया, और न जाने कितनों का तो जान भी गया। छोटी सी बात, कोई गुस्सा करता है, अरे वो गुस्से में है, चलो उसे बाद में शांत होने के बाद बात करते करके खुद शांत होके बैठे हैं तो वो झगड़ा बढ़ता नहीं। अभी उसको गुस्सा आया तो आया, हाँ वो अपने गुस्सा कर रहे हैं, उसको गुस्सा करना बनता है क्या? उसका ही गलती है, मेरा गलती नहीं है, करके हम भी ऐसे गुस्सा करेंगे तो वो तो बढ़ता ही रहेगा। गुस्सा चीज ही ऐसा है ये निरंतर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। इसलिए ये गुस्से को समय में ही नियंत्रण नहीं किया, समय में ही संयमित नहीं किया तो ये गुस्सा इतना भयंकर रूप लेता है कि जीवन में बड़े बड़े दुर्घटना का कारण बन जाता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह एक से एकदम आप भाग रहे एक घोड़े को भी अच्छे घोड़े चलाने वाले जहां है वहीं रोक देता है, जब चाहे तब रोक देता है। वैसे ही इंसानों को भी अपने बढ़ते हुए ये क्रोध को, ये गुस्सा को, ये द्वेष को तुरंत रोकना चाहिए, जहां चाहे वहां रोकना चाहिए, जिस तरह चाहे वहां उस तरह से रोकना चाहिए। ये क्षमता हमें होना चाहिए, नहीं तो छोटी छोटी बातें भी बहुत ही दुख तकलीफ देता है। ऐसे ही हुआ, हाँ एक कहानी आप लोगों को बताता हूं। पहले पहले हाँ एक ऋषि हिमालय पर्वत में तपस्या करने के बाद, अभी समय समय पे अभी नून नमक ऐसा खाना जरूरी है शरीर के लिए, चलो अभी भोजन ग्रहण करते हैं फल फ्रूट के साथ साथ। तो भोजन के लिए हिमालय पर्वत से निकल के वो गांव की तरफ आ रहा था।
आते 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 वो गांव पहुंचने से पहले वहां बहुत बड़ा नदी था, और नदी इतना बड़ा कि वो तैर के नहीं जा सकता, नदी इतना बड़ा कि चल के भी नहीं जा सकता, और नदी इतना बड़ा कि वो वार पार जाने के लिए कोई पुल भी नहीं। अब जाए तो कैसे जाए, तो इधर उधर देखते रहे, तो वहां एक नाव वाला बैठा हुआ मिला, और वो नाव चलाने वाले उसका काम ही है एक किनारे से दूसरे किनारे सवारी को लेके जाना, उससे अपना लेना, उससे घर चलाना। तो हरते वहीं बैठ के वहां आते जाते लोगों को एक किनारे से दूसरे किनारे आर पार कराना उसका काम है। तो उस दिन भी बैठा था, तो जिस दिन मुनि ने उनको देखा तो देख के उसको बोला कि मुझे उस पार जाना है, आप पहुंचा देंगे क्या? उसने बोला हाँ क्यों नहीं, मेरा काम ही यही है। अरे उसको बिठाया और उस पार लेके गए। जब भी उस पार किनारे पे उतर गया तो वो नाव चलाने वाले कहते हैं मेरा मौजूद है मेरा पैसा। तो ऋषि कहते हैं मैं तो हिमालय पर्वत से आ रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, फिर भी तुम्हारा हाथ खाली ना हो इसलिए मैं कुछ अच्छे उपदेश दे रहा हूं करके उसके जीवन के लिए आओ से खूब अच्छे अच्छे उपदेश शिक्षा दिया। सारा उपदेश देने के बाद फिर वो ऋषि चला चलने लगा, तो फिर कहते हैं अरे आपने मेरा मजदूरी तो किया ही नहीं, अभी मजदूरी पैसा नहीं है करके इतना उपदेश किया, पर वो तो नाव चलाने वाला वो इतना भी समझदार नहीं था, बहुत ही गुस्से स्वभाव का, बहुत ही अज्ञानी तरह का था, तो उसको वो ज्ञान का तो कुछ भी पल ही नहीं था, कुछ भी समझ में नहीं आया। उसको यही लगा रहा कि ये उसकी बात भी खत्म होने के बाद मेरा मजदूरी मिलेगा, इसलिए वो कहता था। जैसे ही उसका ये ऋषि का उपदेश खत्म हुआ वो फिर से कहने लगे मेरा पैसा मेरा मजदूरी। तो ऋषि कहते हैं अरे मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए तो मैं आपको इतना अच्छा अच्छा उपदेश दिया, नहीं है मेरे पास पैसा। तो इतना कहते कि वो नाव चलाने वाले को इतना गुस्सा आया, अरे ऐसे कैसे पैसा नहीं, मैंने उस किनारे से इस किनारे इतना बड़ा नदी नाव से पार कराया, और इतना नहीं कितने डेढ़ की बात कर रहा हूँ, और फिर भी कहते हैं पैसा नहीं, ऐसे कैसे नहीं, नहीं मुझे पैसा चाहिए, मेरे मुझको तो मेरा मजदूरी चाहिए। वो अपनी जिद पे अड़ा रहा, और ऋषि मुनि समझाते हैं मैं हिमालय पर्वत से आया हूँ, मेरे पास खाना से पैसा, सब में मेरे पास पैसा नहीं। तो इतना कहने के बाद अरे पैसा नहीं, बिना मजदूरी नहीं, बिना ज्ञान नहीं, इतना मेहनत किया वो पैसा नहीं, मैंने उनका इतना सुना फिर भी पैसा नहीं। उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, वो गुस्सा बढ़ बढ़ के इतना बढ़ गया कि अभी क्या करूं क्या करूं, गुस्सा बहुत बढ़ गया क्या करूं क्या करूं। फिर उसने ऋषि को वहीं पे पकड़ लिया और पकड़ के वहीं गिरा दिया, फिर भी उसका गुस्सा खत्म नहीं हो रहा है। फिर क्या करते हैं अपना पैर ऋषि के छाती पे लगाते, फिर भी गुस्सा खत्म नहीं हुआ, दोनों पैर छाती पे लगा के उसके गाल पे एकदम मारने लगते हैं, इधर से उधर से, उसका गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा है। उसको तो एक ही बात दिमाग में चल रहा और इस किनारे लाने के बाद भी इतनी बार ने सुना पर मेरा पैसा ही नहीं गया, मेरा मजदूरी नहीं गया, इतने गुस्से में वो ऋषि को वहीं बिता के उसके साथी में बैठ के गाल पे मार रहा था। ऐसे में उसकी बीवी उसके लिए खाना लेके आ रहा था,
दूर से ही देखा और उसकी बीवी को पेट से भी थी, गर्भवती थी। दूर से ही देखा अपने पति किसी को इस तरह मारते, अरे क्या कर रहे, क्या अनर्थ कर रहे, क्या पाप कर रहे, ऐसा मत करो करके वो भागे भागे अभी गर्भवती है अपने भागे भागे क्या कर रहे हैं, क्या ऐसे तो कमी नहीं हो रहा था, तो ऐसे में उसके लिए भी वहां चिल्लाने आया तो, अरे मुझे तो यहाँ अपना मजदूरी नहीं मिल रहा है और उसमें भी ये ऐसे चिल्लाने आए करके पीछे देख के अपने बीवी को भी गुस्से से 1 लात मार दिया। वो लात पड़ते ही उसके बीवी पीछे 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 गई और आराम से गिर गई, गर्भवती थी। गिरते ही हाँ एकदम वो पेट को जोर पड़ने से वो बच्चा भी गिर गया, और वो बच्चा गिरने से ज्यादा खून बहने से उसकी बीवी भी वहीं मर गई, उसकी बीवी भी मर गई, बच्चे भी मर गए। और ये देख के हाँ तब जाके उसका आंखें खुलता है, अरे ये मैंने क्या किया, वो नाव चलाने वाले हाँ ऋषि को छोड़ के भागा भागा अपने बीवी के पास जाते हैं, देखते हैं बीवी भी जान चुकी थी, देखते हैं बच्चे भी समय से पहले गर्भपात होने से वो भी मर चुके थे। फिर अपना हाथी पकड़ के चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, शोक संताप करने लगते हैं, पर उसके शोक संताप से अगर उसके बच्चे उसकी बीवी थोड़ी तो वापस आने वाले। और इतना ही नहीं हाँ जैसे वो उसके बीवी और बच्चे मर गए, यहाँ वहां से लोग जमा होंगे, गांव से लोग जमा होंगे, अरे ये अपने बीवी को मारने वाले, ये अपने बच्चे को मारने वाले, लोगों ने उसको पकड़ के घिस कसी कसी के उसको हाँ ये जेल में भी लेके गया। देखो देखते ही देखते छोटे से गुस्से की वजह से ऋषि मुनि है उनके पास पैसा नहीं, तो चलो आशीर्वाद लेते हैं करके उतना कहके वो थोड़े से एक किनारे से दूसरे किनारे तक उड़ाने का थोड़े से मजदूरी थोड़ी सी ज्यादा के लिए और जाने दो रहने दो आशीर्वाद ही मिला करके छोड़ दिया होता तो शांति शांति था। नहीं मैंने इतना मेहनत करके लाए और मेरा मजदूरी नहीं दिया करके वो गुस्सा को इतना भड़काया। एक तो ऋषि मुनि हिमालय पर्वत में तपस्या करके आए हुए ऐसे पवित्र ऋषि मुनि को उसके साथ में बैठ के इतना मारा, और उधर अपने बीवी को लात मारने से बीवी बच्चे दोनों मर गए। देखो ये हत्या का भी ये पाप लग गया और उल्टा जिंदगी भर जेल में भी सरना पड़ा छोटे से गुस्से के लिए। जीवन में ऐसा ही होता है, हर बड़े बड़े दुर्घटना का कारण छोटे छोटे गुस्से से ही शुरू होता है, छोटे छोटे गुस्सा वो दब के उसको जमा करके ऐसे बम जैसा बनाते हैं कि समय आने पे वो विस्फोट हो जाता है। तो उससे अपना भी खत्म, दूसरों का भी खत्म। गुस्सा कभी किसी का भला नहीं करता, न सामने वाला का करता है न अपने लिए करते हैं। इसलिए ये कहावत भी है, हम किसी को गुस्सा करके द्वेष भाव रख के क्रोध जला के मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं करके जिस तरह उसको उंगली दिखाते हैं, तो देखना ये उंगली तो हम उसकी तरफ दिखा रहे हैं, बाकी के सारे उंगली अपने तरफ ही रहता है। कभी बच्चे गुस्से में आके सामने वाले को गुस्सा करके क्याटो क्याटो करके कीचड़ गिरा के उस पर फेंक देते, वो कीचड़ उस पर पहुंचे या न पहुंचे सबसे पहले खुद को ही लगता है। गुस्सा ऐसा ही है, जब भी हम गुस्सा लगाते हैं ये गुस्से से दूसरों का हानि नुकसान
करे या ना करे, सबसे पहले खुद का ही हानि करता है, खुद का ही नुकसान करता है। और ये गवाह ये समाज है, हाँ ये दुनिया है, जहां जहां जो जो गुस्सा निकाला, या तो खुद का बर्बाद कर दिया, परिवार का बर्बाद कर दिया, समाज का बर्बाद कर दिया, बड़े बड़े दुर्घटना का कारण बन गया, इतना बड़ा जीवन, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन नष्ट हो गया। इसलिए तथागत कहते हैं, ये द्वेष भाव नहीं जगाना, हर चीज में हमें पॉजिटिव देखना है, नेगेटिव नहीं देखना। नेगेटिव द्वेष भाव जगाता है, पॉजिटिव मैत्री भाव लगाता है। हाँ, इसलिए हमेशा हमें हमेशा हमें ये पॉजिटिव सकारात्मक भाव से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये तथागत बुद्ध का उपदेश है। विशेषता द्वेष भाव से दूर रहने के लिए एक चीज ये भी समझना है कि सकारात्मक सोचना है। हाँ, कोई भी इंसान अच्छा करे या बुरा करे, तीन चीजों से करता है, या तो शरीर से करता है, या वाणी से बोलता है, या मन से बोलता है। ये तीन चीज है, शरीर वाणी मन। हाँ, तो इसमें तथागत बुद्ध कहते हैं, अगर किसी का वाणी अच्छा नहीं, वाणी बिल्कुल अच्छा नहीं, पर वो शरीर से भी अच्छा करता है या मन से भी अच्छा करता है, जो अच्छा नहीं उसको उपेक्षा भाव रखो, जो अच्छा है उसको याद करके मैत्री भाव रखो, जो ऐसा मत रखो। वैसे ही किसी का मतलब शरीर से अच्छा नहीं करता, किसी का मन से अच्छा नहीं सोचता, जो अच्छा नहीं सोचता उसको रहने दो, जो अच्छा सोचता है वो याद करके उसको मैत्री भाव करो। और किसी किसी का तो शरीर से भी अच्छा नहीं करता, वाणी से भी अच्छा नहीं बोलता, मन से भी अच्छा नहीं सोचता, ऐसे समय में क्या करना? ऐसे समय में वो बेचारा अज्ञानी है, वो अपने लिए ही दुख का कारण बन रहा है, बेचारा उसका भी कल्याण हो, उसका भी मंगल करके उसको भी मैत्री भाव देना है। किसी भी तरह से हमें सकारात्मक ही सोचना है, नकारात्मक नहीं। कहते हैं, एक इंसान का अच्छा देखते जाएंगे तो जिंदगी भर उसको वाह 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 कहेंगे, तो उसकी अच्छाई खत्म नहीं होता। अगर उसी का बुराई देखते जाएंगे तो जिंदगी भर छी ऐसे इंसान, तू ऐसे इंसान, ऐसा छी छी कर दूर दूर करके, कितने भी उसको ठू 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 करके जाएंगे तो भी वो गुस्सा खत्म नहीं होता, तो भी उसका बुराई खत्म नहीं होता। तो हमें अच्छा सोच के मैत्री भाव रखना है या बुरा सोच के द्वेष भाव रखना है, यह हमारे ऊपर ही है। जीवन में ऐसी अवस्थाएं आते रहते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा होता ही रहता है, जिंदगी है। अगर हम हर अच्छाई में एकदम ज्यादा खुशी होते रहेंगे, हर बुराई में ज्यादा ही दुखी होके ज्यादा ही गुस्सा करते रहेंगे, तो ये दुर्लभ जीवन तो गया, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन तो गया। एक समय महाकारुणी तथागत बुद्ध रस्ते पे चल रहे थे, भिक्षु संघ के बहुत सारे थे, और उधर दूसरे लोग भी वहां चल रहे थे, ऋषि मुनि वो लोग भी। तो वहां कोई भगवान बुद्ध का और भिक्षु संघ का प्रशंसा करते हैं और कोई निंदा करते हैं, तो ऐसे बार बार होता है। तो ये बात पीछे बैठे भिक्षुओं ने सुना और भगवान बुद्ध को कहते हैं, भगवान को तो समय स्पष्ट बताते हैं, भिक्षु इस दुनिया में किसी ने भी प्रशंसा किया या अच्छा अच्छा बोला करते हैं, एकदम तो होने की जरूरत नहीं है, खुशी होने की जरूरत नहीं है। हमें ये सोचना है कि इतना प्रशंसा किया तो वो गुण हमें है कि नहीं।
अगर किसी ने निंदा किया, गलत गलत बोला, तो एकदम दुखी होने की जरूरत भी नहीं है। हमें ये सोचना है कि वो जो निंदा किया वो अवगुण हमने देखी नहीं। अगर ऐसा अवगुण है तो उसको धीरे 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 दूर करो। अगर प्रशंसा कर रहे तो वो गुण हमने देखे नहीं। अगर नहीं है तो वो गुण बनाने की कोशिश करो, एक संप्रेषण करके और अभिवृद्धि करो। पर कोई किसी को भी प्रशंसा करते करके खुशी होने की जरूरत नहीं, निंदा करते करके दुखी होने की जरूरत नहीं है। ऐसा समता भाव में रहेंगे तो हम सुखी रहेंगे, हम शांत रहेंगे। बात बात पे गुस्सा करेंगे, बात बात पे हाँ एकदम चिड़चिड़ा होंगे, द्वेष भाव उत्पन्न करेंगे, तो बता नहीं कितने कितने अकुशल पाप वहां होता रहेगा। एक समय महाकाल ने तथागत बुद्ध कि हजारों भिक्षुओं के साथ वहां भिक्षाटन को चल रहे थे। ऐसे समय में वहां बहुत सारे लोग वहां भिक्षा देने के लिए वहां जमा हो रहे थे, इतनी भीड़ थे वहां पे। ऐसे भीड़ में पता नहीं कहाँ कहाँ से एक व्यक्ति भीड़ को चीरते चीरते तथागत बुद्ध के सामने आते हैं, और तथागत बुद्ध के सामने पहुंचते ही थू करके तथागत बुद्ध के चेहरे पे ही थूक देता है। ये इंसान, उसने सुना था कि बुद्ध बहुत ही सहन शक्ति वाला है, कभी भी गुस्सा नहीं करता, बहुत ही मैत्री है, करुणा है। तो उसको लगा कोई एक इंसान में कितना सहन शक्ति कैसे हो सकता है, चलो मैं परिचय करता हूँ, सबके सामने तथागत बुद्ध को मुंह पे थूकता हूँ, इतना करने से गुस्सा तो आएगा ही। और वो गुस्सा आया तो तथागत बुद्ध का तो पर्दा फाड़, तो बुद्ध को पर्दाफाश करने के लिए, वो परिचय करने के लिए, वो इंसान इतने भीड़ में, इतने लोगों के बीच में तथागत बुद्ध के मुंह पे थूकने आते हैं। तो ये दिन क्यों है, वहां इतने भीड़ थे, इतने उपवास उपवास करके इतने गुस्से से देख रहा था कि उसको क्या करूं क्या करूं, मगर बुद्ध है, कोई कुछ नहीं कर रहे थे। तथागत बुद्ध के जो जो ज्ञान प्राप्त शिष्य वो तो शांत थे, जो ज्ञान प्राप्त नहीं थे वो सारे प्रति गुस्से से देख रहा था। फिर भी अपने गुरु सामने है वो आदर की वजह से शांत रहते थे। और इधर स्वयं तथागत इतने लोगों के बीच में किसी ने मुंह पे थूका करके बिल्कुल गुस्सा नहीं करते, बिल्कुल चेहरे पे गंभीर भाव नहीं, शांत ही है, स्थिर है। और तथा बुद्धा वो धूप को साफ करते हुए वो उपासक कहते हैं, उपासक में धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, इतने लोगों के बीच में बेइज्जत होने जैसा मुंह पे थूका और ठाकुर बुद्ध कहते हैं धन्यवाद, ये क्या बात है। ठाकुर बुद्ध कहते हैं उपासक, सारे लोग कहते हैं मुझ में बहुत सहन शक्ति है, कहते हैं मुझको कोई गुस्सा नहीं करता, पर लोग कहते ही है ना, पर आज तुम्हारी वजह से मुझे प्रत्यक्ष अनुभव करने का मौका मिला कि सही में मुझ में गुस्सा आता है कि नहीं, वो देखने का मौका मिला, इसलिए ये मौका तुमने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात सुन के वो उपासक इतना पछतावा करते, अरे बुद्ध में सही में सही शक्ति है, दूसरे होता तो कितना गुस्सा करते, बताने क्या क्या वहां के दुर्घटना हो जाता, पर बिल्कुल गुस्सा न करते हुए धन्यवाद कहते, सही में बुद्ध में सहन शक्ति है करके बुद्ध का पैर पकड़ के क्षमा मांगते हैं। ये तथागत बुद्ध है, हर तरह से सकारात्मक रूप से अपने आप को स्थिर रखना, शांत रखना, अपने जीवन में इस तरह से पॉजिटिव पॉजिटिव या सकारात्मक रूप से देखने की आदत बनाएंगे तो देखना बहुत सारे अनावश्यक गुस्सा कलह झगड़ा।
ये तो नाम में बुद्ध है, बुद्ध तो बुद्ध है, 10 पार मिटा, 10 पार मिटा पूर्ण करके बुद्ध बने, सम्यक संबुद्ध बने, बुद्ध में कोई ऐसा होगा ही। हाँ, तो ऐसे ही सारिपुत्र भंते के जीवन में भी ये घटना हुआ। सारिपुत्र भंते कहीं भिक्षाटन जा रहे थे, जैसे ही सुनसान गली पे पहुंचे, एक ब्राह्मण सारे पुत्र भंते के पीछे आते, ऐसे मुट्ठी कस के पीछे से ऐसे मारते हैं कि बड़े बड़े लोग भी वहीं गिर जाए, इस तरह से मारते हैं। पर सारे पुत्र भंते जैसे कुछ हुआ ही नहीं, अपने हिसाब से ही चलते चलते जाते हैं। वो ब्राह्मण को ये परीक्षण करना था कि सारे पुत्र भंते में बहुत ही सहन शक्ति है, एकदम कभी गुस्सा नहीं करता, ये वो बहुत सुना था। तो सारे पुत्र भंते में सहन इतना सहन शक्ति होगा क्या, इतना मैत्री भाव होगा क्या, ये परीक्षण करने के लिए मुक्का मारा था। मगर सारे पुत्र भंते, अरे किसने मारा करके बिल्कुल पीछे एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, जैसे जा रहे थे वैसे शांत रूप से गए। तो ये देख के वो ब्राह्मण को बहुत पछतावा हुआ, दौड़ा दौड़ा सारे पुत्र भंते के पैर पकड़ते हैं और क्षमा मांगते हैं। सारे पुत्र भंते कहते हैं, क्षमा किसलिए? तो वो कहते हैं, भंते जी अभी अभी ये गली में मैंने आपको पीछे से मारा था। तो सारे पुत्र भंते कहते हैं, ठीक है क्षमा दिया, कोई बात नहीं। तो नहीं, आप मुझे क्षमा देंगे तो मेरे घर पे ही आकर भिक्षा लेना है, मेरे घर पे आपको भोजन लेना है। सारे पुत्र भंते कहते हैं, ठीक है चलो। तो उसके घर में ही भोजन के लिए जाते हैं, और सारे पुत्र भंते प्रथम पुत्र के ताने हाथ ड्राई ना के प्रज्ञा में अग्रस्थान प्राप्त। हाँ, जहां जहां सारे पुत्र भंते पहुंचते वहां बुद्ध का अभाव नहीं होते, ऐसे प्रभावशाली सारे पुत्र भंते को किसी ने मारा, ये बात आपकी तरफ फैल गए। देखते ही देखते वहां बहुत सारे लोग जमा हो गए, अरे किसने हमारे सारे पुत्र भंते को हाथ लगाया, उसको तो छोड़ेंगे ही नहीं, छोड़ेंगे नहीं करके बहुत सारे लोग जमा हो गए। घर में बाहर आ गए, ब्राह्मण बाहर निकलो, आज भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बाहर निकलो, हमारे ब्राह्मण गुरु के ऊपर हाथ लगाने वाला है, बाहर निकलो करके सब चिल्लाने लगे। और इधर वो ब्राह्मण एकदम खर खर कर कर काम लेने लगा, अब क्या होगा क्या होगा, बहुत डर में लगा, भय भी होने लगा। ऐसे में सारे पुत्र भंते कहते हैं, उपासक डरो मत, लो मेरा पात्र पकड़ो। उसको पात्र पकड़वा के पीछे पीछे भंते के पीछे पीछे करके उसको बाहर लाते। तो बाहर लाने की बात बात सारी पुत्र हुई घर से, तो सारे लोग, अरे जिसने मारा था सारे पुत्र भंते उसके घर से ही निकल आए। तो सारे लोग कहते हैं, भंते जी ये ब्राह्मण ने आपके ऊपर हाथ उठाया, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। तो सारे पुत्र भंते कहते हैं, अरे उपासक उपासक आए, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मैंने माफ किया, मैंने उनके घर में भोजन ग्रहण किया, अब हो क्या, जाओ तुम लोग अपने अपने घर। तो सारे लोग, अरे भंते जी नहीं कैसा कह दिया, अब क्या करेंगे, चलो चलो करके अपने अपने जगह गए। देखो सारे पुत्र भंते, जिसने मारा एक बार भी मुड़ के नहीं देखा, और उसका हृदय परिवर्तन होके क्षमा मांगने आया, घर पे भिक्षाटन भोजन के लिए भिक्षा, पंडित जी वही भोजन करके आ गए। अगर वहां भोजन न आता तो उपास को पास है वो ब्राह्मण को क्या करता। तो सारे पुत्र बंदे ने बड़े आराम से माफी किया। इसलिए जीवन में ऐसा बहुत सारे होंगे, किसने मुझे मारा, किसने मुझे गाली दिया, किसने मुझे दूता, किसने मुझे हटाया, ऐसा बहुत बार जीवन में होता रहता है। अगर ये बात याद करके हम रहेंगे तो बेचैनी कभी खत्म नहीं होता, अशांति कभी खत्म नहीं होता, द्वेष कभी खत्म नहीं होता, वो गुस्सा वो कभी खत्म नहीं होता।
जिसे खराब रखो तो कहते हैं उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मुझे लूटा, उसने मुझे ये क्या वो क्या, ये सब छोड़ो, सबको दिल से माफ करो, और खुद ने गलती किया है तो दिल से माफी मांगो और ऐसी गलती फिर से मत करो। ऐसा करते करते आगे बढ़ेंगे तो जीवन में शांति भी होगा, सुख भी होगा और खूब अच्छे से रह पाएंगे। नहीं तो जीवन में सुख शांति बहुत ही मुश्किल है। जीवन में इस तरह का घटना बहुत बार होते रहते हैं, इसलिए कभी भी कहीं भी कुछ भी हो तो तुरंत हमें उसका प्रतिक्रिया नहीं करना, तुरंत हमें नकारात्मक सोच लाके उसके ऊपर गुस्सा करके नहीं बैठना। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा देखिए और वो क्या कहा है समझ लीजिए। अगर वहां कुछ गलत हो रहा है तो गलत क्यों हो रहा है सोचिए, और हम उस जगह पे होते तो हम क्या करते वो भी सोचिए। अगर ऐसा सोचेंगे तो वहां जो गुस्सा आना है, जो क्रोध आना है, वो बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे, हर चीज में नेगेटिव नेगेटिव सोच के देखेंगे तो वहां द्वेष भाव तो बढ़ना ही है, वहां क्रोध तो जागना ही है। इसलिए महाकाल में कहते हैं द्वेष उत्पन्न ना हो, उसके लिए द्वेष क्यों उत्पन्न होता है इसको जानो, और द्वेष उत्पन्न ना हो ये द्वेष उत्पन्न करने से क्या क्या हमारे जीवन में बुराई होता है ये भी जानो। हाँ, तो सबसे पहले महाभारत में तथागत बुद्ध ने ये द्वेष उत्पन्न का 10 कारण ने बताया है, मतलब ये 10 कारणों की वजह से हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है, हमारे मन में गुस्सा क्रोध उत्पन्न होता है। सबसे पहले ये जानो और इससे दूर रहो। तो ये 10 कारण क्या है, तथागत बुद्ध बहुत ही आसान रूप से समझाते हैं। अपने कारण से 3, मित्र के कारण से 3, शत्रु के कारण से 3, 3 3 3 9 हो गया, और जो कृति है उसके कारण से 1 10। ये 10 कारणों से मन में गुस्सा आता है, मन में द्वेष भाव आता है। अभी अपने कारण से कैसे, बहुत आसान है, याद कीजिए। अपने कारण से अब खुद को किसी ने गलत किया, दुख दिया तो गुस्सा आता है, तो उसने कैसा, अभी ये क्या है कि अमुक अमुक व्यक्ति हमें पहले भी दुख कष्ट दे रहे थे, पहला कारण। फिर अमुक अमुक व्यक्ति अभी भी हमें दुख कष्ट दे रहा है, दूसरा कारण। अमुक अमुक व्यक्ति पहले भी दुख कष्ट, बाद में भी दुख कष्ट देंगे, ये तीसरा कारण। पहले भी दुख कष्ट दे रहे थे, अभी भी दुख कष्ट दे रहा था, बाद में भी दुख कष्ट देंगे, ये 3 कारण खुद की वजह से ये द्वेष उत्पन्न होता है, गुस्सा उत्पन्न होता है। मित्र के कारण, अभी मित्र वो है जिसको किसी ने दुख दिया तो हमें गुस्सा आता है, तो अमुक अमुक व्यक्ति मेरे प्रिय मित्र को पहले भी दुख कष्ट दे रहे थे, पहला। अभी भी दुख कष्ट दे रहा है, दूसरा। बाद में भी दुख कष्ट देंगे, तीसरा। और शत्रु की वजह से, शत्रु वो है जिसको किसी ने अच्छा किया तो हमें गुस्सा आता है, तो इसी तरह मेरे अप्रिय शत्रु को पहले भी अमुक अमुक व्यक्ति ने सहयोग किया, उपकार किया था, पहला। अभी भी उपकार कर रहे हैं, दूसरा। भविष्य में भी उपकार करेंगे, तीसरा। ये अपने कारण थे, मित्र के कारण थे, शत्रु के कारण थे। अब ये बता प्रकृति के कारण। अब प्रकृति के कारण कैसे, जो प्रकृति का नियम है जैसा हमको चलता है तो उसमें भी हमें गुस्सा आता है। देखो कभी बारिश हुआ, अरे आज बारिश होना था क्या, और कभी बारिश नहीं हुआ, अरे बारिश ही नहीं हो रहा है, उसमें भी गुस्सा। कभी धूप लगा, अरे इतना धूप, कभी धूप नहीं लगा, अरे धूप ही नहीं लगा, उसमें भी गुस्सा। जो
प्रकृति का नियम है, हवा पानी ये वो, उसमें भी हमें गुस्सा आता है, उसमें भी हमें द्वेष उत्पन्न होता है। तो समझदारी ना होने से, अंडरस्टैंडिंग ना होने से, हर चीज में नेगेटिव नकारात्मक सोचने से हमारे जीवन में खूब खूब द्वेष उत्पन्न होता है, खूब खूब ये गुस्सा क्रोध उत्पन्न होता है। और जहां जहां गुस्सा क्रोध उत्पन्न हुआ, वहां वहां मुंह से गलती बोलेंगे, वहां वहां सभी से गलती करेंगे, और जितना गलत करेंगे उतना अकुशल हो जाएगा, उतना पाप हो जाएगा, और जितना पाप करेंगे उसका दुर्गति हमें भोगना पड़ेगा, उसका दुखद विपाक हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जीवन में सुख शांत पूर्वक रहना है तो इस तरह के द्वेष बुरा भावना से दूर रहना है, इस तरह से गुस्सा क्रोध को खत्म करना है। और ये गुस्सा ये क्रोध खत्म करने के लिए हमें मैत्री भाव करना है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं, वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैध से मैत्री भाव से ही ये वैर शांत होता है। तो हमें हमेशा सारे लोगों का सुख हो, शांति हो, मंगल हो, ऐसा सोचते हुए ये मैत्री भावना करना है। अगर सबको अपने जैसा समझ के सबको समान भाव से देखेंगे तो इतना गुस्सा इतना क्रोध नहीं आएगा, इतना द्वेष भाव नहीं आएगा। इसे मैत्री भाव करते करते जाएंगे, जितना जितना मैत्री भाव पावरफुल होगा उतना उतना ये द्वेष क्रोध कम 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 होता जाएगा, शांत होता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा ये गुस्सा जड़ से खत्म हो गया, ये द्वेष जड़ से खत्म हो गया। तो जीवन में हमें ये द्वेष, ये गुस्सा, ये क्रोध को शांत करना है। जीवन में अनेक तरह के कला, अनेक तरह के झगड़ा से हम हो सकते हैं। आज के दिन में हम ये गुस्सा कला के ही विषय में हमने प्रदर्शन, आगे किसी और हमारे सामने ये मैत्री भावना के विषय में भी और विस्तार से हम रामकृष्ण सुनेंगे। जैसा आप लोगों को बताया, आज का माहौल भी कुछ ऐसा ही रहा कि 5 बजे शुरू करना था, फिर भी इतना आवाज शोर और शराब की वजह से इतने हो गया। फिर भी जीवन में इस तरह का अवस्था बार बार आता है, कभी बाहर से, कभी लाइट जाने की वजह से, कभी इंटरनेट जाने की वजह से, कभी क्या इस तरह का मार जीवन भर चलता रहेगा, अब खत्म हो गया, अब मार नहीं आएगा, कभी भी कोई भी गारंटी नहीं है। तो ऐसे समय में हमें एक समय में नहीं, हर बार समन होके शांत होके समता में रहना है, तब जाके हम शांति प्राप्त कर पाएंगे। नहीं तो 3 बार हम शांति में रहे और 1 बार भी चूक गया तो उससे इतना बेचैनी, इतना तकलीफ, इतना अकुशल हो जाएगा। इसलिए हर बार हमें शांत से रहना है। तो बार से दोबारा सिखाए, हम भी जीवन में इस तरह के द्वेष भाव, इस तरह के कलह को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, और ये भी महसूस कर सके कि दुनिया में जो जो गुस्सा करके, जो जो क्रोधित होके बैठे, उसका सर्वनाश हुआ है, खुद का भी नाश हुआ है, अपनों का भी नाश हुआ है, और एक दुर्लभ इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन भी चकनाचूर हुआ है। तो ऐसे जीवन को संयमित करे, संभाले, और खूब अच्छे पुण्य धर्म करते करते खुद के लिए ये जीवन वरदान साबित करे। तो हम यही कामना करते हैं कि जीवन में खूब सारा पुण्य धर्म करते करते आगे बढ़े, खूब सारे अकुशल पाप से दूर रहे, और ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में
जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्ता निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए आज का हम देशना यही समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो, सबका हम देशना के अंत में आपको भगवानी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, कर्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे और जीवन में खूब सारे कुशल पुण्य कर्म करते करते ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। विवचन्तु सब्बरोगो विनाशको मा ते भवत्वन्तरायो सुखीर्दीर्घायुको भव सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वे पुरेन्दु चेतसन्तः पातन्तो बन्धनसो यथा नमामि संगं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।